हेलो गाइस, आज है संडे और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज फिर से टेक न्यूज। तो आज की टेक न्यूज की शुरुआत करते हैं हम YouTube से, और YouTube स्टार्ट कर रहा है टैक्सेस डिडक्ट करने फ्रॉम क्रिएटर्स आउटसाइड USA, यानी कि अगर आप USA के क्रिएटर नहीं हो और अगर किसी बाहर की किसी कंट्री के क्रिएटर हो तो आपकी जो पे आउट निकलेगी उसमें से टैक्स डिटेक्ट किया जाए अगर आप अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं भरते हो तो। और उसके बाद नेक्स्ट टेक न्यूज़ की अगर हम बात करें तो आ रही है इंस्टाग्राम से। तो इंस्टाग्राम जो है वो नए फीचर पर काम कर रहा है जिसके अंदर आपको कैप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ऑटो जनरेटेड कैप्शंस जब भी आप वीडियो वगैरह बनाओगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक आ रही है वो आ रही है गूगल की तरफ से। तो गूगल पिक्सल 5a उसके अंदर जो है वो स्मॉलर होल पंच कटआउट कैमरे के साथ लॉन्च हो सकता है और जून 11 में वो लॉन्च होने वाला है। और इसका जो कैमरा होने वाला है सेल्फी वाला वो बाकी गूगल पिक्सल के फ़ोन से थोड़ा छोटा रहने वाला है, और साथ ही साथ गूगल पिक्सल 6 जो है वो सेंट्रल सेल्फी कैमरा के साथ लॉन्च हो सकता है। तो हमारी अगली जो टेक न्यूज़ आ रही है वो आ रही है ओकला की तरफ से। तो ओकला की जो Q4 2020 की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जियो जो है वो फास्टेस्ट ब्रॉडबैंड बन चुका है इंडिया का, और वी जो है वो फास्टेस्ट मोबाइल डाटा स्पीड के अंदर वी जो है वो फास्टेस्ट पाई गई है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जियो कितनी हद तक मतलब अच्छा है फास्टेस्ट से और वी कितनी हद तक फास्टेस्ट है एयरटेल के मुकाबले? क्योंकि मुझे लगता है कि एयरटेल ज़्यादा फास्ट है इन दोनों के मुकाबले, बल्कि मेरे यहाँ तो जियो के नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बेकार आते हैं कि बस 0.50 Mbps की स्पीड आती है। तो आप लोग पोल में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को तीनों में से कौन सी सिम जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और इससे पहले जो मैंने एक पोल दिया था कि उसमें एयरटेल को कितने लोगों ने स्विच किया था 2020 के अंदर, तो उसमें 89% के आसपास रिस्पांस आया कि यस उन्होंने किया था, और बाकी कुछ 4-5% लोगों ने पहले से ही वो यूज़ कर रहे थे और बाकी कुछ थोड़े बहुत परसेंट 3-4% लोग थे जिन्होंने स्विच नहीं किया था। उसके बाद नेक्स्ट टेक न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो आ रही है किंडल की तरफ से। तो अमेज़ॉन का जो किंडल ऐप है उसके ऊपर स्वामी चिद्भवानंदास भगवत गीता वो लॉन्च हो चुकी है किंडल वर्जन में, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी है ताकि जो टीनेजर्स हैं या फिर नए यंगस्टर हैं तो वो लोग इस मतलब भगवत गीता को पढ़ सकें। और आजकल किंडल मतलब ज़्यादा पॉपुलर है और इसी तरीके से ऑनलाइन बुक्स पढ़ी जाती हैं, तो इसीलिए उन्होंने भगवत गीता को वहाँ पर लॉन्च कराया ताकि यंगस्टर उसे पढ़ें और उससे मतलब सीख ले चुके हैं। तो हमारी अगली जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो आ रही है मोटोरोला की तरफ से। तो मोटोरोला HS जो स्मार्टफोन है जो चाइना में लॉन्च हुआ है मोटोरोला HS के नाम से, वो ग्लोबल मार्केट्स में उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसका नाम होगा मोटोरोला G100। तो इस नाम से वो ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो आ रही है गूगल क्रोम की तरफ से। तो गूगल क्रोम एंड्रॉयड के लिए एक नया फीचर लाया है जिसके अंदर आपको प्रीव्यू ऑप्शन मिलेगा पेजेस का। आप मतलब पूरा पेज को ओपन करने से पहले उसे एक प्रीव्यू देख सकते हो उस पेज का। तो ये नया फीचर जो है वो गूगल क्रोम ने लॉन्च कर दिया है एंड्रॉयड ऐप्स के लिए। तो अगली जो टेक्निक आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी M42 वो स्पॉट हो चुका है वाईफाई अलायंस ब्लूटूथ SIG की वेबसाइट पर, और ये जो है ये रीब्रांड गैलेक्सी A42 5G रहने वाला है। तो ये सैमसंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है अपने M42 मतलब M सीरीज़ और F सीरीज़, और अब मतलब इसमें A सीरीज़ भी शामिल कर दी उन्होंने रीब्रांड करने में। पहले M और F में काफ़ी चल रहा था कि वो रीब्रांड करके दे रहे थे अपने फ़ोन को, अब A का भी A सीरीज़ का भी उन्होंने M सीरीज़ में रीब्रांड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो टेक न्यूज़ आ रही है वो आ रही है जीमेल की तरफ से। तो एंड्रॉयड में जीमेल ने एक न्यू बटन दिया है जिसकी मदद से आप जो है कॉपी और पेस्ट कर सकते हो ईमेल एड्रेसेस को और इजीली। उसके बाद नेक्स्ट टेक न्यूज़ आ रही है वो आ रही है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की तरफ से। तो इन्होंने एक नया फीचर जो दिया है वो डेस्कटॉप के लिए, तो उसमें आपको लो बैंडविड्थ मोड मिलेगा जिसके अंदर आपकी जो वीडियो कॉल क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी पुअर कनेक्शंस पर भी। उसके बाद नेक्स्ट टेक न्यूज़ आ रही है वो आ रही है गूगल मैप्स की तरफ से। तो गूगल मैप्स का जो नया फीचर आया है उसकी मदद से यूज़र्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं मिसिंग रोड्स को,
और ये जो फीचर है ये इन्होंने 80 कंट्रीज में लॉन्च करने का सोचा है, लेकिन अभी पता नहीं है इंडिया में आएगा या नहीं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टेक न्यूज आ रही है, वो आ रही है वीवो की तरफ से। तो वीवो X60 सीरीज जो है उसकी इंडिया में लॉन्च जो है कंफर्म हो चुकी है मार्च 25 के लिए, और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर इसकी अवेलेबिलिटी 30 होगी। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो टेक न्यूज आ रही है वो आ रही है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो A94 5G और ओप्पो A54 5G ये दोनों जो है एंड्रॉयड 11 पर रन करेंगे, क्वाड कैमरा सेटअप इनमें होगा और इसके साथ में ये सपोर्ट करेंगे होल पंच डिस्प्ले। और इसके अलावा और भी बहुत सारी इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो लॉन्च हो चुकी हैं, तो अगर आप लोगों को इनकी और स्पेसिफिकेशन जाननी है तो आप लोग जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको इनकी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी दोनों फ़ोन्स की, तो वहाँ पर आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको आज की टेक न्यूज़ अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो।